स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम रिफ्लेक्शन चैप्टर से कैसे एक स्फेरिकल मिरर इमेज बनाते हैं रे डायग्राम को पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमने प्रीवियस वीडियो में देख पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उनके अंदर क्या क्या रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। अगर आउटसाइड वाली रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो कौन सा मिरर होगा, इनर वाली है तो कौन सा होगा, उसको देखने के लिए प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो स्फेरिकल मिरर कैसे इमेज बनाते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। किसके द्वारा उसको स्टडी करेंगे, रे डायग्राम मीन्स सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वो जब एक सरफेस पर टकराती हैं तो किस तरह की इमेज वो बनाती हैं, उनको हम रे डायग्राम कहते हैं। तो वो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, आज इसको पढ़ेंगे। तो ये हमने क्या लिया है, कनकेव मिरर लिया है जिसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की साइड है और ये बाहर वाली सरफेस है। जब एक रे आती है और इस मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है ना कि जब कोई भी रे एक सरफेस से स्मूथ सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक पीछे की तरफ वापस आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये क्या है, इंसिडेंट रे आने वाली किरण, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव। तो क्या देखा कि जब ये सरफेस से टकराई, मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, तो ये किससे पास हो गई भाई, प्रिंसिपल फोकस से। किसके पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। ये हमने अगर एक्सटेंशन किया तो ये जो एक्सटेंशन है ये कहां से, जो हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर सेंटर होता है मिरर का, उससे पास होता है। लेकिन ये किसके लिए, एंगल निकालने के लिए। तो ये जो एंगल है हमारा, ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव एंगल। तो इस तरह की रे डायग्राम किसके केस में देखने को मिलता है, कनकेव मिरर के केस में देखने को मिलता है। और अब बात आती है कॉन्वेक्स, सेम है, हम इसी तरीके से रे को रिफ्लेक्शन पे डालेंगे, लेकिन सिर्फ क्या चेंज कर दिया, मिरर को चेंज कर दिया। अब ये हो गई है, अब ये इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गई है, वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो रे हमारी आई इस प्रकार से, ये रिफ्लेक्ट होकर किधर चली गई, ऊपर की तरफ चलेगी। तो ये एंगल हमने बना लिया, ये कौन सा एंगल है, आई इंसिडेंट, और ये एंगल आर क्या होगा, रिफ्लेक्टिव एंगल। फिर हमने जब इसको एक्सटेंड किया तो हमने क्या देखा कि ये जो रे थी ये क्या हो गई, प्रिंसिपल फोकस पे जाने की बजाय डाइवर्स हो गई, उल्टी हो गई, पीछे की तरफ चली गई। तो ये कहां चली गई, पीछे की तरफ। तो सेम पोजीशन थी, सब कुछ सेम था, लेकिन हमने क्या चेंज किया, मिरर को जब चेंज कर दिया तो हमने क्या देखा कि कनकेव मिरर के केस में वो क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से क्या हो जाती है, उलट जाती है। तो ये हमने एक केस पढ़ा है कन्वेक्स और कनकेव का। इसी तरीके से हम आगे भी दूसरे रे डायग्राम अलग अलग इमेज के हम स्टडी करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई videos।